हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाले हैं कि दसवीं और ग्यारहवीं का जो डमी रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कैसे करें। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर डमी रजिस्ट्रेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि डमी रजिस्ट्रेशन क्यों डाउनलोड करना चाहिए। डमी रजिस्ट्रेशन इसलिए डाउनलोड करना चाहिए कि उसमें किसी तरह का त्रुटि, यानी कि पापा के नाम में गड़बड़ी या खुद के नाम में गड़बड़ी या माता का नाम में गड़बड़ी, जो भी है वो जेंडर में गड़बड़ी, जो भी गड़बड़ी होता है उसको सुधार करने के लिए, जो भी विषय अगर चेंज करना है वो सब देखने के लिए डमी रजिस्ट्रेशन को डाउनलोड करने के यह फ़ायदे होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में लिखना है YTDC। जैसे सर्च कीजिएगा कुछ इस तरह का पेज आप लोगों को खुलकर आ जाएगा। इस वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है। वेबसाइट पे जैसे क्लिक करेंगे YTDC का जो वेबसाइट है वो पूरा खुलकर आ जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद ऑप्शन है लेटेस्ट अपडेट। उस वाले ऑप्शन में आने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड। इस पर क्लिक करेंगे। ये एक विज्ञापन है, इसे बंद कर देंगे। करने के बाद कुछ इस तरह का पोर्टल खुलकर आ जाएगा। उसके बाद फिर नीचे की तरह स्क्रॉल करना है इस तरह से। करने के बाद आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि डाउनलोड 10th डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस क्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पेज आप लोगों को खुलकर आ जाएगा। आने के बाद यहाँ सबसे ऊपर स्कूल कोड मांगा जा रहा है, जो भी नाम है वो मांगा जा रहा है और डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अपना स्कूल कोड डाल दें। मैं एक स्कूल कोड डाल दे रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड होकर तैयार हो जाएगा।